नमस्कार, बहुत स्वागत आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे खबरों के सुपर फास्ट अंदाज में। आरबीआई ने किया नई मौद्रिक नीति का ऐलान, बिना किसी बदलाव के रेपो रेट 6.5% पर बरकरार। गवर्नर ने कहा महंगाई थोड़ी नीचे आई है लेकिन ये अब भी चिंता का विषय। मुंबई में दिल दहला देने वाली वारदात, सिरफिरे आशिक ने प्रेमिका की हत्या के बाद शव के किए सैकड़ों टुकड़े, फिर टुकड़ों को कुकर में किया बॉइल। पुलिस ने हैवान को किया गिरफ्तार। रक्षा के क्षेत्र में देश की बढ़ी ताकत, अत्याधुनिक उपकरणों से लैस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण। ओडिशा के अब्दुल कलाम आइलैंड से डीआरडीओ ने किया परीक्षण, मिसाइल ने सफलतापूर्वक टारगेट को बनाया निशाना। सीहोर में सृष्टि को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन का तीसरा दिन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जवान रेस्क्यू करने में जुटे हुए। बोरवेल में 125 फीट की गहराई में फंसी है मासूम। एमपी सरकार का बड़ा फैसला, प्रदेश में लॉकडाउन के सभी केसेस होंगे वापस, गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी जानकारी। दमोह के गंगा जमुना स्कूल विवाद मामले पर बोले गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, बच्चों को कौन शिक्षक प्रताड़ित करते थे ये भी देखा जाएगा, अगर एनआईए इसका संज्ञान लेती है तो राज्य पुलिस करेगी मदद। दमोह धर्मांतरण मामले में संस्कृति बचाओ मंच ने परिजनों पर उठाए सवाल, दमोह घटना के लिए परिजनों को बताया दोषी, कहा क्या कम फीस और इंग्लिश मीडियम के चक्कर में बच्चों को धर्मांतरण की ओर धकेल देंगे। सीधी में खड़ी कार को ट्रक ने रौंदा, हादसे में दो बच्चों समेत 7 लोगों की मौके पर मौत, सीधी टीकरी मार्ग से टोल पर हुआ हादसा। एमपी में अब हुक्काबार पर होगी सख्त कार्रवाई, राष्ट्रपति ने हुक्काबार प्रतिबंध बिल को दी मंजूरी, 1 से 3 साल तक की सजा का प्रावधान। 15 जून से कांग्रेस की कमलनाथ संदेश यात्रा, प्रदेश भर में कई चरणों में निकलेगी यात्रा, यात्रा के दौरान होंगी 50 से ज्यादा आम सभाएं। कांग्रेस की कमलनाथ संदेश यात्रा पर नरोत्तम मिश्रा का बयान, अभी तक जितनी यात्राएं निकाली एक में भी कमलनाथ नहीं हुए शामिल, उम्र के कारण कमलनाथ जी की ऐसी स्थिति नहीं। ई ट्रैक चैलेंज में एमपी में मारी बाजी, भोपाल दूसरे नंबर पर तो ग्वालियर को मिला 5वां स्थान। भोपाल के बागसेवनिया के लोगों ने सीएम शिवराज का जताया आभार, सीएम के निर्देश के बाद अब नहीं काटे जाएंगे पीपल और बरगद के पेड़, बच्चों ने कहा थैंक यू मामा जी। 21 जून को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का जबलपुर दौरा, वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग की थीम पर होगा कार्यक्रम, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, सीएम शिवराज और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्वानंद सोनोवाल भी होंगे शामिल। दिग्विजय सिंह के गढ़ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रियंका गांधी के दौरे के अगले दिन पहुंचेंगे राजनाथ सिंह, डिफॉल्टर किसानों का 2200 करोड़ का ब्याज माफ करेगी सरकार। देश के मुसलमानों को आईएस नियाज खान की सलाह, धर्म परिवर्तन का विरोध करें, मुस्लिम भाई गौ रक्षक बने, जबरन धर्म परिवर्तन इस्लाम में प्रतिबंधित। ग्वालियर में भारतीय यात्रा एवं पर्यटन प्रबंधन संस्थान की छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी, बीबीए सेकेंड ईयर की छात्रा थी हरियाणा की रहने वाली महक, मामले की जांच जारी। कांग्रेस से निष्कासित डिंडौरी जिलाध्यक्ष वीरेंद्र बिहारी शुक्ला ने की गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात, सियासी बाजार गर्म। एमपी चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने कमर कसी, आदिवासी संगठनों के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में आम आदमी पार्टी, 25 से 30 सीटों पर समझौता संभव। पन्ना में मुख्यमंत्री सामूहिक कन्यादान योजना के तहत 305 जोड़ों ने लिए 7 फेरे, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने वरवधुओं को दिया आशीर्वाद, कहा सरकार की योजनाओं को जनता का मिल रहा लाभ। खंडवा में होटल में खाना खाए युवक की लाठी से पिटाई, होटल संचालक और उसकी साथी पर मारपीट के आरोप, वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस जांच करेगी। दतिया में तेज रफ्तार बस ने स्कूटी सवार दंपति को मारी टक्कर, हादसे में पति पत्नी सहित 3 लोग जख्मी, घायलों का इंदरगढ़ अस्पताल में चल रहा इलाज। भिंड इटावा नेशनल हाईवे पर बना चंबल का पुल जर्जर, रात 12 बजे से भारी वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध, समांतर पुल बन जाने तक रोक रहेगी जारी। धार में चलती कार में लगी आग, समय रहते कार सवार 2 युवकों ने बचाई जान, मुसावदा गांव के पास की घटना। श्योपुर में चाय की दुकान में लगी आग, गैस सिलेंडर फटने की वजह से मची अफरा तफरी, विजयपुर थाना क्षेत्र के गढ़ी गांव का मामला।
देवास में माता टेकरी रोपवे कैबिन में फंसे दो युवक पर सुरक्षित रेस्क्यू। एनडीआरएफ की 20 सदस्य टीम ने युवकों को निकाला। ऑपरेशन महज मॉक ड्रिल, कुछ दिनों पहले हुए रोपवे हादसे के बाद किया गया मॉक ड्रिल। सीएम बघेल ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर किया पलटवार। कहा, रमन सिंह के समय जितने चर्च बने उतने कभी नहीं बने। 15 सालों में जितना धर्मांतरण हुआ उतना कभी नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने मंत्रियों से मांगी 4 साल के कार्यकाल की रिपोर्ट। विधानसभा क्षेत्रों और मैदानी लड़ाई में परफॉर्मेंस का मांगा ब्यौरा। आगामी चुनाव में टिकट वितरण और मंत्रियों की रिपोर्ट पर सीएम बघेल का बयान। प्रदेश प्रभारी का काम रिपोर्ट लेना। पिछली बार ब्लॉक अध्यक्ष को दावेदारों ने दिया था आवेदन, इस बार की व्यवस्था आगे पता चलेगी। चुनाव में टिकट वितरण पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम का बड़ा बयान। सर्वे के 3 नामों पर करते हैं विचार। कार्यकर्ताओं से कहते हैं 10 मांगे तो 1 टिकट मिले। प्रसिद्ध रंगकर्मी और नाटककार रहे हबीब तनवीर की पुण्यतिथि पर सीएम भूपेश बघेल ने किया नमन। ट्वीट कर कहा, तनवीर जी ने अंचल की कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंचाया। धमतरी में जिला निर्वाचन शाखा चुनाव की तैयारियों में जुटी आयोग। ईवीएम मशीनों की जांच भी शुरू। वोट लिस्ट में जोड़े जा रहे युवाओं के नाम। जिले में इस बार 6000 से ज्यादा नए मतदाता। रायपुर सर्किट हाउस में केंद्रीय चुनाव आयोग की बैठक शुरू। प्रदेश भर के कलेक्टर एसपी बैठक में शामिल। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा, जमीनी स्तर पर तैयारी, संसाधन और प्रशिक्षण पर होगी बात। छत्तीसगढ़ में हाथियों के मूवमेंट की हाईटेक मॉनिटरिंग शुरू। एआई आधारित छत्तीसगढ़ एलिफेंट ट्रैकिंग एंड अलर्ट ऐप से मॉनिटरिंग की जा रही। 10 किलोमीटर के दायरे में हाथी सहित जंगली जानवरों के मूवमेंट की मिलती है जानकारी। जशपुर में चंगाई सभा में भाजपा और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का हंगामा। कार्यकर्ताओं ने लगाया धर्मांतरण का आरोप। सभा कराने वाले 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। सिटी कोतवाली के बाला छापर का मामला। केंद्र सरकार के धान की एमएसपी बढ़ाने के फैसले से किसान खुश नहीं। गरियाबंद के ग्रामीणों ने कहा, मजदूरी, खाद, बीज, दवाई महंगे हो रहे। उम्मीदों के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा नहीं। आईआईटी भिलाई का पीएम मोदी जल्द करेंगे लोकार्पण। युद्ध स्तर पर की जा रही तैयारियां। अगस्त के पहले सप्ताह में भिलाई आ सकते हैं प्रधानमंत्री। 385 एकड़ में हो रहा है कैंपस का निर्माण। धमतरी में जिला निर्वाचन शाखा चुनाव की तैयारियों में जुटी। ईवीएम मशीनों की हो रही जांच। वोट लिस्ट से जुड़े जा रहे नए युवाओं के नाम। जिले में इस बार 6000 नए मतदाता। आपदा प्रबंधन को लेकर रायगढ़ कलेक्टर ने ली बैठक। बैठक में आपदा प्रबंधन और राहत व्यवस्था की तैयारियों की समीक्षा। बाढ़ से निपटने के लिए दिए जरूरी दिशा निर्देश। दुर्ग में युवक के मर्डर केस का पुलिस ने कुछ ही घंटों में किया पर्दाफाश। मामले में 3 नाबालिग आरोपी गिरफ्तार। पूछताछ में जुटी पुलिस। आरनपुर में 5 घंटे तक जिला अस्पताल की बिजली रही बाधित। गर्मी में मरीज और परिजनों की बड़ी परेशानी। बिजली नहीं होने से इलाज और जांच में आई बाधा। जशपुर में बैल के हमले में वृद्ध महिला की मौत। चराने के लिए जाने वक्त बैल ने किया हमला। पथलगांव थाने के मक्कापुर की घटना। बलरामपुर में जहरीले सांप के काटने से बुजुर्ग महिला की मौत। इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान महिला ने तोड़ा दम। शंकरगढ़ थाना क्षेत्र के गमहाटी का मामला। बलौदाबाजार में चाकू लेकर बदमाश ने की मारपीट। भाटापारा शहर में पुराने विवाद को लेकर बदमाश ने की मारपीट। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। पिंडरा में रेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही। बिना वैकल्पिक व्यवस्था के तोड़ा गया ओवरब्रिज। प्लेटफॉर्म पर जाने में रेल यात्री को हो रही परेशानी। रेल लाइन पैदल पार कर रहे यात्री। जशपुर में सोने मकान को चोरों ने बनाया निशाना। लैपटॉप, नकदी समेत जेवरात ले उड़े चोर। पत्थलगांव के केरा कछार का मामला। अंबिकापुर में महिला के मकान गिराने के मामले में 12 लोगों पर एफआईआर। ग्रामीणों ने निर्माण के दौरान तोड़ा था घर। बतौली थाना क्षेत्र का मामला। जांजगीर में शिवरी नारायण के महानदी में तैरते हुए शव मिलने से सनसनी। शिवरी नारायण पुलिस को दी गई सूचना। महानदी पुल पर लगा जाम। जगदलपुर में सीपीआई पार्टी ने तैयार की चुनावी रणनीति। बस्तर समेत प्रदेश की जनता से अपील, हमें वोट भी दें, नोट भी। चुनाव जीतने की बात करेंगे जनता की सेवा।
कोरबा में खदान कर्मियों का 1 जुलाई से लागू हो जाएगा नया वेतनमान। यूनियन नेताओं से मुलाकात में कोयला मंत्री ने दिया आश्वासन, यूनियन ने कर्मियों के लंबित मुद्दों की दी जानकारी। कोरबा में दो कारों की भिड़ंत के बाद मारपीट, एक कार सवार युवक ने दूसरे कार सवार दंपति को पीटा। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद, सिविल लाइन थाना के सुभाष चौक की घटना। एमसीबी जिले के चिरमिरी नगर निगम के ज्यादातर वार्डों में पेयजल की समस्या, कई वार्डों में एक महीने से हो रहा गंदा पानी का सप्लाई, गंदे पानी से